पाठ 9 छोटा जादूगर। इस कहानी में लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार माँ के इलाज और अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती थी। छोटी सी उम्र में उसने पैसे और काम के महत्व को भली भांति समझ लिया था। उसके हाथों और शब्दों में विचित्र आकर्षण था। कार्निवल के सभी खिलौने उस बालक के हाथों का स्पर्श पाकर सजीव अभिनय करने लगते थे। मैरी के ऐश ने कहा है कि प्रत्येक सुबह हमारी कहानी का एक नया पृष्ठ आरंभ करती है जिसे हमें अपने प्रयास से श्रेष्ठ बनाना होता है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। उस छोटे फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। उसकी ओर न जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़े जोश से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुम्हें ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में भी मैंने उसे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए। वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर यदि आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली हो जाती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसीलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो क्यों ना मैं दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना भी पेट भरूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिला दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9:00-11:00 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता हुआ सब देखता रहा। झूले के लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुंदर बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी,
इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा, हाथ में चार खाने की खादी का झोला और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, तुम्हें मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था, सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था बालक की जरूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया। यही तो संसार है, ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई, लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से एक रुपया दे दिया, वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा विवेक अब लौट आया, मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं, उसकी एक रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी भी चली थी, मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन उब गया। चलते चलते एक बार फिर उस बाप को देखने की इच्छा हुई, साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर सब होते हुए भी छोटे जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की वह तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता। उसे मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए मूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में,
माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी साथ था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा।